हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, सारे ही ईस्ट बंगाल एफसी फैंस के लिए बहुत बड़ा ब्रेकिंग अपडेट आ रहा है, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी से डिटेल्स में शेयर करने वाला हूं। तो काफी सारे प्लेयर्स का नाम ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने शॉर्टलिस्ट किया था, खासकर भारतीय खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में शामिल करना चाहती थी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट। तो काफी सारे प्लेयर्स का नाम शॉर्टलिस्ट किया हुआ था और काफी सारे प्लेयर्स के साथ ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट का बातचीत भी चल रहा था। तो मैंने आप सभी को ये बताया था आज से एक महीने पहले कि चेन्नई एफसी के राइट बैक के खिलाड़ी एडवन सिडनी वांस पॉल के साथ ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट का बातचीत चल रहा है और काफी ज्यादा चांस है कि एडवन सिडनी वांस पॉल ईस्ट बंगाल एफसी में साइन करे। तो अभी फिलहाल जो ब्रेकिंग खबर आ रहा है सारे ही ईस्ट बंगाल एफसी फैंस के लिए कि एडवन सिडनी वांस पॉल का डील डन हो चुका है ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट के साथ। और दोस्तों, एडवन सिडनी वांस पॉल के अलावा भी नंदा कुमार शेखर को भी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने अच्छे खासे पैसे का ऑफर दिया था। बातचीत काफी आगे तक गया था, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल जो ब्रेकिंग खबर है कि नंदा कुमार शेखर को भी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने अपने टीम में डन कर लिया है। तो दो काफी अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स को ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने आने वाले सीजन के लिए अपने टीम में साइन करवा लिया है, बट अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जो कि समर विंडो के दौरान किया जाएगा। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।